हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। देखिए, दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम कितना 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर की साइड, इस क्वेश्चन को समझ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो स्क्वायर मान लेंगे, एक बड़ा बिगर साइज का और एक छोटा। ठीक है, बड़े की साइड हमने लेट कर ली एक्स, इसकी साइड एक्स और इसकी साइड मान ली हमने बाई, ये दो स्क्वायर ले लिए। अब इसमें बात हो रही है इस क्वेश्चन में पेरीमीटर की और एरिया की। पेरीमीटर हमें पता है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 × साइड 4x हो जाएगा। इसी तरह से इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4y, क्योंकि इसकी साइड बाई है। और इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, और इसका एरिया हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इसके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है, और इनके एरिया का जो सम है वो 468 है। ये दो बातें हमें बता रखी हैं। तो पहले थोड़ा सा इसी के बारे में मेंशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे नोटबुक में, तो लेट द साइड ऑफ थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ बिग स्क्वायर की साइड मान ली हमने एक्स मीटर। लेट द साइड ऑफ बिग स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीटर, और साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू, जो छोटा वाला स्क्वायर है इसकी जो साइड मान ली हमने बाई मीटर मान ली। ठीक है, इसकी साइड एक्स और इसकी साइड बाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो कह रहा है इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। पहले पेरीमीटर वाली केस लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बराबर कितना बता रखा है उसने, 24 मीटर। अब देखिए, बड़े वाले का जो पेरीमीटर हमने पहले ही कंक्लूड कर रखा 4x, और छोटे वाले का कितना 4y इक्वल टू 24। 4 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, या 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 24। 4 को अपॉन में ले जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24/4। 4 × 6 = 24, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, y जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 6+y। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये तो पहली केस थी। अब बाद में ये कह रहा है कि इनका जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना 468 है। ठीक है, फिर दोबारा से, सिंस एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया कितना 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बड़े वाले का थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। बड़े वाले का एरिया हमने पहले निकाल रखा है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस छोटे वाले का एरिया बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 468 मीटर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, हम 6+y इसमें रख लेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू रख लेंगे 6+y, तो ये हो जाएगा 6+y का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 468। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × y, और प्लस बाई स्क्वायर 468 को भी इधर लिया हो, माइनस का 468 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 × 6 = 36 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 × 2 = कितना हो जाएगा 12। 12y प्लस बाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सीरियल से लगाते हैं। पहले बाई स्क्वायर कितने हो गए हमारे, 2y² प्लस, अब बाई वाले टर्म्स 12y और माइनस 468 है, और ये प्लस का 36, कि माइनस के ज़्यादा तो माइनस का बचेगा, 468 में से 36 माइनस कर लेंगे। देखिए, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 432 इक्वल टू 0। ठीक है, इस साइड आ जाते हैं, थोड़ा जगह की थोड़ी तंगी है। 2y² + 12y - 432
इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है टू कॉमन फैक्टर है, तो टू यहाँ से पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस टू सिक्स जा ट्वेल्व, सिक्स बाई माइनस टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। ये टू जीरो के अकाउंट में जाके जीरो हो गया, तो ये बचा हमारा बाई स्क्वायर प्लस सिक्स बाई माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू हंड्रेड सिक्सटीन के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिन्हें माइनस करके सिक्स आना चाहिए। अब देखिए साइड में मैं निकाल रहा हूँ, टू वन जा टू, टेबल ना रीड होने का जीरो, टू एट जा सिक्सटीन, टू फाइव जा टेन और टू फोर जा एट। ठीक है, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन और थ्री थ्री जा नाइन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन और थ्री थ्री जा नाइन। अब देखिए इसमें देखेंगे थ्री थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब थ्री टू जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व, अब एटीन माइनस ट्वेल्व कितना बचेगा, सिक्स बचेगा। तो ये फैक्टर हमें मिल चुके हैं, इसे लिख लेंगे एटीन माइनस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर प्लस सिक्स को लिख लिया एटीन माइनस ट्वेल्व, बाहर बाई माइनस का टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बाई का है दोनों में बंटवारा कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई स्क्वायर प्लस एटीन बाई माइनस ट्वेल्व बाई माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, यहाँ से बाई कॉमन लिया तो ये बचा बाई प्लस एटीन, और यहाँ से माइनस का ट्वेल्व कॉमन लिया तो बचेगा बाई प्लस एटीन। बाई प्लस एटीन दोनों जगह से कॉमन ले लिया, बाई प्लस एटीन दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, बाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ बाई प्लस एटीन इक्वल टू जीरो, तो बाई इक्वल टू कितना, माइनस एटीन, बाई इक्वल टू माइनस एटीन हो गया, माइनस एटीन छोड़ देंगे क्योंकि साइड माइनस में नहीं आ सकती। इफ दूसरी वाली साइड, दूसरे वाले फैक्टर को लेंगे बाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, तो ये वाली साइड हम ले लेंगे। इसका मतलब एक स्क्वायर की साइड कितनी है, दूसरे वाले की ट्वेल्व है। अब बाई की वैल्यू हम वन में फीड करके एक्स की निकाल लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में बाई की वैल्यू रख लेंगे। इक्वेशन वन क्या है, एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस बाई, तब हमारा x इक्वल टू हो जाएगा सिक्स प्लस बाई, बाई की वैल्यू ट्वेल्व इक्वल टू कितना, एट्टीन, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे एट्टीन मीटर और बाई की वैल्यू ट्वेल्व, तो इसका मतलब हो गई पहले वाले स्क्वायर की साइड एट्टीन मीटर और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड ट्वेल्व मीटर। अब लास्ट में आंसर लिख देंगे, हैंस साइड ऑफ बिग स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर की साइड हमने मान ली कितनी, एटीन मीटर, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर की साइड हमने मान ली 12 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह के आंसरों के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।